नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विगत ढाई वर्ष में ही 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, ताकि युवाओं को उनके गांव के नज़दीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर, कोटा के शिलान्यास और आदिवासी मीना बालिका छात्रावास प्रताप नगर जयपुर के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में बरसात की गतिविधियां अब और कम होंगी। मौजूदा मौसमी तंत्र से प्रदेश में 17 अगस्त तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, जिसमें कुछ इलाकों में छिटपुट बरसात को छोड़ बाकी जगह सूखा रहने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 10 अगस्त से मॉनसून ट्रफ लाइन के हिमालय की तरफ खिसकने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। 10 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क ही रहेगा। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों में छुटपुट बारिश जरूर हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस में मामूली कमी आई है। रविवार को 36,028 नए मरीज मिले, 39,828 ठीक हुए। ये लगातार तीसरा दिन था जब नए मरीजों से ज़्यादा ठीक हुए। इससे पहले 6 अगस्त को 38,705 मरीज मिले और 44,026 ठीक हुए। 7 अगस्त को 39,068 केस आए और 43,935 रिकवर हुए। देश विदेश में ट्रैवलर्स को एंट्री देने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत में भी कई राज्य इस पर सहमति जता चुके हैं। इस बीच सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के जरिए चंद सेकंड में हासिल किया जा सकेगा। सरकार के इस निर्णय से उन लोगों को सुविधा मिलेगी जिन्हें कोविन पोर्टल या ऐप से वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 9013151515 नंबर सेव करना होगा। इसके बाद कोविड सर्टिफिकेट लिखकर इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। 12 के किशनगढ़ क्षेत्र के हथियादह बांध डूब के क्षेत्र के गांव करवरी कला और रामपुरिया में प्रशासनिक सहायता नहीं मिली। इस कारण किसान महापंचायत के रेलावन और करवरी खुर्द के कार्यकर्ताओं ने नदी में मानव श्रृंखला बनाकर खाद्य सामग्री को नदी के पार पहुंचाया। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि आटे के कट्टे, नमक, मिर्च सहित अन्य खाद्य सामग्री मानव श्रृंखला बनाकर नदी के पार पहुँचाई गई। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी की पहचान होती है। पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं की पूरी तरह कद्र करते हुए उन्हें पहचान दिलाती है। संगठन मजबूत होने पर ही पार्टी आगे बढ़ती है। भाजपा ने देश भर में अपनी जो स्थिति मजबूत की है, उसका सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। कांग्रेस में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ बताएँ और कांग्रेस के कुप्रचार से अवगत करवाएँ। बाड़मेर में जेठ और आषाढ़ में बारिश का इंतजार थार के किसानों के लिए भारी साबित हुआ है। बाजरा की बम्पर बुआई पर तो कुठाराघात हुआ ही, अब बोई फसलों पर भी बारिश की बेरुखी भारी पड़ रही है, जिस पर फसलों का उत्पादन काफ़ी कम होने की आशंका है। यहां का देसी बाजरा तो अब कम पकने की उम्मीद है। हालांकि मूंग मोठ और तिल अभी भी होने की आस है, पर किसान अब ये मान रहे हैं कि ग्वार की बुआई ही वर्तमान परिस्थिति में बारिश होने पर अनुकूल रहेगी। इधर नाड़ी तालाब खाली होने से पशुपालक चिंतित हैं कि पशुओं के लिए पानी का प्रबंध कैसे होगा। कोटा क्षेत्र में अतिवृष्टि का ऐसा कहर पहले नहीं देखा। खेत के खेत पानी में डूबे हुए हैं, जगह जगह कच्चे घर जमींदोज हो गए, गांव के गांव उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हाल इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव का है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को इटावा तथा सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया तो वे लोगों के दुख को देखकर भावुक हो गए। बिरला ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग लेकर तो इनकी सहायता की ही जाएगी, हम भी इन लोगों की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। निवाई क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन रोकने के लिए लीज धारक द्वारा गांव गुंसी में लगाए नाके के बैरिकेड्स तोड़ते हुए अवैध बजरी से भरे 14 डंपर फरार हो गए और एक डंपर पलट गया, जिससे बजरी हाईवे पर बिखर गई और चालक फरार हो गया।
लीजधारक टोंक जिला नाका इंचार्ज संदीप सिंह शेखावत ने बताया कि बनास नदी से अवैध बजरी भरकर 15 डंपर जयपुर के लिए चिरोंज से शिवाड़ रोड होते हुए बरौनी पुलिया के नीचे से निकलते हुए गांव गुंसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर होने वाले ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। बीते 75 साल में ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएनएससी की किसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना की चुनौती के बावजूद टोक्यो ओलंपिक कामयाब रहा। 23 जुलाई को शुरू हुए इस इवेंट का समापन हो चुका है। इसमें करीब 11,000 एथलीट्स ने 339 इवेंट्स में हिस्सा लिया। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। भारत इस ओलंपिक में 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो उसका सबसे शानदार प्रदर्शन है। भीलवाड़ा शहर के निकट चित्तौड़ रोड स्थित गुवारड़ी नाले में फिर से काला पानी बहने लगा है। ये पानी मटमैला पानी प्रोसेस हाउस छोड़ रहे हैं। इसके लिए बरसात की आड़ ली जा रही है। प्रोसेस हाउस बरसाती पानी के साथ दूषित पानी छोड़ते रहते हैं। हालांकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मानना है कि काला पानी प्रोसेस हाउस नहीं बल्कि मंडपिया रेलवे स्टेशन पर आने वाले कोयले की चूरी का पानी है। इसमें सीवरेज का पानी भी आ रहा है। उधर ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि प्रदूषित पानी प्रोसेस हाउस ने छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वालों से बात भी करेंगे। उज्ज्वला 2 में LPG कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी पेपर वर्क को भी कम कर दिया गया है। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। दोनों वैक्सीन के अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के दो डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। ये स्टडी ICMR ने मई जून के बीच में UP में की थी। भीलवाड़ा में सुहाने मौसम में हरियाली अमावस्या पर रविवार का दिन पिकनिक के नाम रहा। पिकनिक स्पॉट्स गुलजार रहे। रविवार को बारिश तो नहीं हुई लेकिन प्राकृतिक स्थलों पर गोठ जल स्रोतों में स्नान का आनंद उठाया गया। शहर के नज़दीक हरनी महादेव, चामुंडा माता की पहाड़ियां, अधरशिला महादेव, पातोला महादेव, मेजा बांध, हमीरगढ़ इको पार्क, स्मृति वन सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पिकनिक मनाई। हरनी महादेव में रविवार को मेला लगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।